गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, नॉट ओनली मी, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लड़कियों को क्या चाहिए, खाना मत दो, मेकअप दे दो, शॉपिंग करने दे दो बस। तो मैं आज लेके आ गई हूँ नायका पिंक सेल हॉल। तो मैं जो सारे प्रोडक्ट का मैं आज रिव्यू भी दूंगी एंड आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट में रिकमेंड भी करूंगी। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से ट्राई करना था, सीरम है। सो ये मैं ट्राई करूँ। ये सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अभी इसके बारे में मैंने बहुत सुना है एंड ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, तभी सब अच्छे ही बोल रहे हैं इनके बारे में। सो इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, तो पहले मैं इसको ट्राई करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट परचेस है एंड ये पूरा वाटर बेस है, तो बहुत ही अच्छा होगा इसको यूज़ करना, ऑयली नहीं है। सो यस, इसको यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, पर पहले मैं इसको यूज़ करूँ। ये मेरा प्लम का सनस्क्रीन, यस प्लम का सनस्क्रीन, ये रहा सनस्क्रीन। ये क्या, इसमें प्रोडक्ट है भी नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो निकल ही नहीं रहा है। गाइस, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये क्या है, क्यों मैं तो रुको, यहाँ से मैं ट्रेस करती हूँ एंड देन मतलब ये क्या है, मतलब इतना प्रोडक्ट इतने कम है कि मुझे यहाँ तक लिखेंगे इसको, यहाँ वो क्या इसका है, पूरा आधा से मतलब पूरे इतना सा प्रोडक्ट है, इतना सा प्रोडक्ट है, इतना पूरा खाली है, मुझे पता नहीं प्रोडक्ट कैसा होगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, बट इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम दिया हुआ है। बट इसका प्राइस मैं देख लेती हूँ, प्राइस है 399, तो 400 का अगर प्रोडक्ट है और मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी का सनस्क्रीन है, सो डिसअपॉइंट पहले से ही मैं हो गई हूँ। अब पता नहीं प्रोडक्ट कैसा होगा। हाँ, बहुत ही प्रोडक्ट तो अच्छा ही, मतलब मेरा ऑयली स्किन है उस हिसाब से मतलब मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ। तो ये पूरा वाटर बेस है, इसमें कुछ खास मतलब ऐसा कोई स्मेल नहीं है, बट लाइट वेट है, ठीक है, हाइड्रेट है, जैसा कि यहाँ पे जो सारी चीज़ मेंशन किया हुआ है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ का दुख है कि क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लेस क्वांटिटी है। सो या इसको मैं सेकेंड टाइम बिल्कुल परचेस नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मार्केट में और भी सनस्क्रीन है जो 399 में, 400 में बहुत अच्छा क्वांटिटी देता है। सो ये पे पैसा इसमें दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। इसमें थोड़ा सा भारी है, तो मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो चलो देखिए। ये मैं बहुत ही मतलब इसको मैं जब से देखा था, इसका सेट मुझे बहुत ही सॉफ्ट था कि मैं जल्दी से इसको ऑर्डर करूँ, और फाइनली नायका में सेल लगा हुआ था तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। मार्च का मार्च का 3 सेट न्यूड लिपस्टिक सेट है, बहुत ही अच्छा है डस्की स्किन टोन के लिए, तो बहुत ही अच्छा सेट है। रेस आई हैव डस्की स्किन टोन, सो यस मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। भाई साहब, इसका कलर देखो, बहुत ही प्रिटी कलर है, बहुत ही प्रिटी कलर है, ये डस्की स्किन टोन के लिए तो एकदम बहुत ही सही है। तो इसका मैं स्कॉर्स दिखाती हूँ, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और कलर देखिए कितना अच्छा कलर है, बहुत ही, मैंने अभी लिपस्टिक वेयर किया है नहीं तो मैं करती है, बहुत ही मतलब हाइड्रेट भी रखेगा लिप को एंड बहुत ही अच्छा न्यूड कलर है, डस्की स्किन टोन में बहुत अच्छे से सूट करेगा और फेयर स्किन टोन में तो कुछ भी न्यूड में है। वाओ, बहुत ही प्रिटी कलर है और बहुत ही अच्छा इसका कलर, बहुत ही अच्छा है, और मैं इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, कलर देखो गाइस, इतना अच्छा कलर है, ये डस्की स्किन टोन में भी जाएगा एंड जो फेयर स्किन टोन है उसमें भी जाएगा, मीडियम स्किन टोन में भी जाएगा, हर एक स्किन टोन को ही सूट करेगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत
सबसे बड़ा अच्छा चीज़ लगा कि ये एकदम हार्ड नहीं है, बहुत ही एकदम मक्खन के जैसे एकदम अप्लाई हो रहा है, बहुत ही हाइड्रेट भी है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सेट बहुत ही खूबसूरत है, इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है एंड ये जैसे कि मैंने दो ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है सो नो डाउट कि क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है एंड प्राइस वाइज जितना प्राइस है उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिजनेबल रेट मतलब रेंज में लिपस्टिक है। सो या सब हर कोई यूज़ कर सकता है। ये भी पिंक न्यूड है, बहुत ही अच्छा कलर ये भी है, 3 कलर। मुझे सारे कलर ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये सारे कलर मैंने देख के ही मैंने ऑर्डर दिया था क्योंकि मैं डस्की स्किन टोन में हूँ तो मैं ऐसा लिपस्टिक थोड़ा लगाना अच्छा लगता है कि स्किन टोन को थोड़ा सा सूट करे। यस, और डे के टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हो तो तीनों सेट ही आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन जैसे हमेशा बोला जाता है तो यस, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है। अब सेकेंड में इसका और भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यूज़ करना चाहूँगी तो यह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप लोग इसको ले सकते हो, हाईली रिकमेंड है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका हाइड्रोलिक मॉइस्चराइजर हाइड्रेट नाइट क्रीम, तो ये मुझे यूज़ करना था बिकॉज मेरा हेयर अभी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। उसका रीज़न भी यही है कि ऐसा नहीं है कि मैं टेक केयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का पानी बहुत ही ख़राब है, खार जैसा, जैसे योलो हो जाता है उस टाइप का पानी है। तो वो पानी जब आपका हेयर में जाता है तो हेयर वैसे ही आपको ड्राई हो जाता है चाहे जितना भी आप केयर क्यों ना करो, और पीने वाला पानी खरीद खरीद के हेयर वॉश करना पॉसिबल नहीं है तो यस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैं पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद इसका जो बेनिफिट है क्या है नहीं है वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फुल प्रोडक्ट शैम्पू एंड कंडीशनर भी यूज़ करना चाहूँगी फ्यूचर, नॉट नाउ। यस, और ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब से ये लॉन्च हुआ है, प्रियंका चोपड़ा वैसे ही मुझे बहुत पसंद है तो उनका प्रोडक्ट भी मुझे पसंद है और सच में बहुत ही अच्छा है। तो ये है शैम्पू और इसका बहुत बॉटल मैंने वैसे ही मैंने ख़त्म किया है और इनका एक और प्रोडक्ट, इनका और शैम्पू है ब्लैक कलर का जो चारकोल शैम्पू है वो मैंने एक बार लिया था, वो फेवरेट शैम्पू में आता है। और आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हो अपने हेयर के अकॉर्डिंग, आप लोगों को हेयर नॉर्मल और ड्राई भाई तो यहाँ पे भी आप लोग जाके अपना हेयर के जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके आप लोग शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि इस पर मुझे ट्रस्ट है क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है और इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट नहीं किया है, अच्छा वर्क करता है, हेयर को बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल भी रखता है। तो नॉरियल का ये बहुत ही फेमस और बहुत ही वायरल, बहुत ही पता नहीं और क्या का कंसीलर है तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये फुल कवरेज कंसीलर है तो मेरे पास मैक का है, बेनिफिट का है और एलीगल का है और पता नहीं क्या, हाँ केयर बाय कैटरीना है और स्विच ब्यूटी का भी है और पता नहीं क्या क्या है, थोड़ा बहुत कंसीलर मेरे पास है और भी, पर ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो ये मैं यूज़ करना चाहती थी तो विश लिस्ट में था तो मैंने सोचा कि ना मैं अभी ट्राई कर लूँ। तब एग्जैक्ट माय स्किन कलर नहीं है पर ऑन सेट लाइटर है, पर ठीक है ये हाइलाइटर का भी काम कर सकता है। सो या ये भी बहुत ही अच्छा सुना है तो आप लोगों ने भी अगर इसको कोई भी अगर यूज़ किया हुआ है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा कवरेज देता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत सारा इस बार प्रोडक्ट मैंने स्किन केयर का ना मेकअप का भी है एंड बहुत सारा प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये रेवनॉल का है ये
हाँ ये रेवनल का ये ब्लश है। ये ब्लश भी मैंने देख के ऑर्डर दिया ब्यूटी का, जैसे ये वर्क करता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले सस्ता वाला से ही शुरू करूं, तो इसको भी मैंने ऑर्डर दिया था। और वाह नॉट बैड, ये तो बहुत ही प्यारा है, सेट भी बहुत अच्छा है, एक ग्लो भी दे रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो कंसीलर को पता नहीं, पर आप लोग जो ब्लश लवर हो लाइक मेरे तरह और थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में अगर कोई ब्लश चाहते हो तो ये ले सकते हो। अदरवाइज कैटरीना का भी आप लोग स्वीटहार्ट पिंक, मतलब बहुत सारा सेड है आप लोगों को जो सूट करता है वो भी ले सकते हो, क्योंकि मैं वही लगाती हूँ, मेरे पास अभी वही है और भी बहुत सारा है। पर जब से के बाई कैटरीना का मैंने ब्लश लगाना शुरू किया था, दूसरे ब्लश में मैं हाथ नहीं देती थी, पर अभी मैंने ये ऑर्डर दिया था तो ये भी मैं यूज़ करूँगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग ले सकते हो, रिकमेंड नहीं करूँगी पर ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। मैंने पहले ही बोला था कि हर प्रोडक्ट में रिकमेंड नहीं करूंगी, जो प्रोडक्ट मैंने पहले लगाया था मुझे अच्छा रिजल्ट मिला तो मैं वही प्रोडक्ट लगाऊंगी, और इसको मैं पहले से ही रिकमेंड कर रही हूँ ले लो भाई, क्योंकि ये हमेशा से मैं यूज़ करती हूँ और मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको फिर से ऑर्डर दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, आप जब हेयर स्टाइल करते हो इसको तब यूज़ कर सकते हैं, इसका ना बहुत काम है, इसको मल्टीपाई तरीके से आप अपना यूज़ कर सकते हो, और आपको आप जब शैम्पू करके आते हैं तब उसका गीला वालों में भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये इसका पता नहीं, मतलब मैं जब हॉस्टल में थी तब इतना बड़ा नहीं ले पाती थी क्योंकि बजट का प्रॉब्लम था, तो छोटा साइज का मैं लेती थी, तब भी बहुत टाइम चलता था मुझे याद है, तो हॉस्टल लाइफ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये आप ले सकते हो। ये तो अभी न्यू पैकेजिंग में भी आया है, तो यस गाइस ये आप ले सकते हो। इसका प्राइस भी मैं साइड में लगा दूँगी, अभी मुझे याद नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिला ही होगा। नेक्स्ट ये क्या दिया था भाई, अच्छा ये ली गर्ल का मैंने ब्राउ जेल मैंने ऑर्डर दिया, इसको कार्ड में डालती थी फिर सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ऐसे हुडा ब्यूटी का, मैक का, एली गर्ल का जो पेंसिल है वो भी, मेबेलिन का बहुत सारा आईब्रो जेल है, तो इसको मैं बोलती थी क्यों यूज, पर इस बार मैंने ले लिया है तो इसको मैं यूज़ करूँगी, पर इसको कोई ब्रश नहीं दिया है यार, ये अच्छी बात नहीं, ब्रश क्यों नहीं दिया है। ये डार्क ब्राउन शेड में है और एक ब्लैक में भी है, और एक शायद याद नहीं है मुझे, पर इसका पता नहीं ये कैसा, अभी लगाया तो नहीं, कभी लगाएंगे तो आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, इधर ही तो काम का चीज़ है आप लोगों को पता ही है। और ये जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को, मैं अभी इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, उससे पहले मैं रिकमेंड कर रही हूँ गर्ल्स, अगर तुम लोगों को सस्ता और टिकाऊ वाला मतलब मेकअप रिमूवर, यस गाइस ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत, और आपका एक, आप अगर ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो डेली बेसिस में, फिर जैसे मैं वीकली मेकअप करती हूँ, जैसे सैटरडे संडे वीकेंड में, तो मेरा तो बहुत टाइम चल जाता है, और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको एक बार यूज़ करने के बाद इसका प्यार में पड़ गई हूँ, क्योंकि ये इतना रिजनेबल भी है, बहुत टाइम तक चलता भी है, और आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आपको पूरा मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव कर देता टिकाऊ। एंड ये कॉलेज गोइंग गर्ल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, घर पे रहते सारे सबके पॉकेट में अच्छे से एकदम फिट हो जाएगा, सब कोई खुश भी हो जाएगा, और इसको हाईली रिकमेंड करूँगी, गर्ल्स इसको परचेस कर लो, बहुत ही अच्छा है, इसको परचेस कर लो, बहुत 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 मतलब काम का चीज़ है। प्लम का विटामिन सी टोनर, ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, मुझे पता नहीं है इसका रिजल्ट, तो यूज़ करने के बाद मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर इसका रिजल्ट आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैंने दिया है हिमालया का मेकअप क्लींजर, ये मैं जब हॉस्टल में थी तब ये मैं यूज़ करती थी, आई थिंक हॉस्टल कॉलेज में जो लड़कियाँ रहती है सारे लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं जब पीजी में भी थी तब भी सबको ये यूज़ करते थे, हॉस्टल में थी, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है एंड बहुत ही अच्छा है, एंड बहुत बहुत ये मैंने लिया है डेली बेसिस में यूज़ करने के लिए, क्योंकि हल्का जो कंसीलर या फिर कुछ भी लगाते हैं तो वो सारे रिमूव करने के लिए बेस्ट।
तो बस आज का शॉपिंग और आज का अनबॉक्सिंग यहाँ तक ही था। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट ही आप लोगों को रेकमेंड किया है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुकी हूँ ना, तो उसका मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो मैं आप लोगों को अगर बोलूँगी तो मैं कुछ अच्छा ही बोल रही हूँ। अब बाकी थोड़ा बहुत मैंने न्यू प्रोडक्ट ही ट्राई करूँगी, तो वो सारी चीज़ पहले मैं ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ रिजल्ट क्या है, अच्छा है बुरा है, जो भी है मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर इन्हें शेयर करूँगी। एंड येस गाइज, आज का वीडियो यहाँ तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहन को थोड़ा बहुत प्यार भी दे दीजिए। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।